लिए तो आप जो आपको नज़ारे मिलेंगे वो स्पीति काजा से लेके दिल्ली तक के नज़ारे मिलेंगे। ये तो आपने जितने भी पार्ट देखे उनके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर आप इस पार्ट से ही जुड़ रहे हो मेरे साथ तो भाई पिछले पार्ट देखो, बहुत बढ़िया सीरीज़ बनी है, बहुत धमाकेदार सीरीज़ बनी है, आप देखना ज़रूर। और बाकी हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है एक अपने लिए कि भाई हम ये राइड जो है वन टाइम में कम्प्लीट करने वाले हैं, ठीक है जी। बाकी ये इधर से निकलना नहीं होता लेकिन चलो निकल जाते हैं। गाइस कल हम इस रास्ते से वापसी मतलब कल इस रास्ते से हम आ रहे थे काजा के लिए और अब जा रहे हैं काजा से दिल्ली के लिए, क्या बात है। तो हर रास्ते में अपना एक मज़ा होता है बट ये रास्ता जो है अभी एक तरह से फैमिलियर हो गया है हमारे लिए क्योंकि हम कल भी यहाँ से गए थे, अब फिर यहाँ से वापसी जा रहे हैं। अभी ताबो आ जाएगा, ताबो विलेज, देन उसके बाद नाको है, नाको के बाद फिर मोटा मोटा रिकोंगपियो है, ठीक है। मतलब नाको के बाद पू भी आता है बट हम रिकोंगपियो ज़्यादा करेंगे क्योंकि बड़ा शहर वही है, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मोटा मोटा अपना रामपुर आ जाता है ना, रामपुर के बाद अपना नारकंडा है, नारकंडा के बाद शिमला, फिर अपनी दिल्ली। तो बेसिकली ये रहने वाला है। अभी का अपडेट ये दूंगा आपको मैं कि हम जो है एक साथ निकले हैं और नॉन स्टॉप चल रहे हैं। तो सीन क्या रहने वाला है कि मतलब रात को जब यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी तब मेरा ये रहेगा कि मैं मोटो व्लॉग्स टाइम पर बंद कर दूंगा बट स्टेट टू स्टेट आपको बताता रहूँगा कि हाँ भाई अब हम यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँच गए, ठीक है। बाकी जब दिन निकल जाएगा सुबह यानी कि सुबह जब हो जाएगी तब मैं आपको प्रॉपर मोटो व्लॉग दिखाऊंगा। तो जब तक दिन है जब तक आप मोटो व्लॉग एंजॉय करो, देन जब तक रात नहीं हो रही है बेसिकली, है ना। जब रात हो जाएगी तो उसके बाद तो फिर मोटो व्लॉग बंद करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो भाई ताबो रह गया यहाँ से 30 किलोमीटर जहाँ पे हमने परसों रात बिताई थी, ठीक है जी। तो ताबो क्रॉस करने के बाद नाको रहेगा हमारे लिए अभी शाम शाम का चैलेंज, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत या अंधेरा हो जाएगा तो चलते चले जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल एक हमारे लिए चैलेंज है कि भाई हम दिन ढलने से पहले नाको जो है वो क्रॉस कर दें क्योंकि वो थोड़ा सा ना थोड़ा सा मतलब ख़तरनाक रास्ता बोलूँगा, ख़तरनाक मीन्स के थोड़ा डरावना सा है, ठीक है। तो वो है बस खाली, बाकी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, रात भर चलना तो डरावने वाली भी बात नहीं, लेकिन ये है कि हाँ कि अगर वो दिन ढलने से पहले पहले हमने वो कर दिया तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। बाकी तो देखते हैं भाई, आप बने रहो। तो गाइस ये आ गया ताबो ब्रिज, अब यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर रह जाता है ताबो विलेज। तो फटाफट से ताबो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया दिन ढलने से पहले, बस नाको की बारी है तो नाको भी कंप्लीट करना है बस। लेट्स सी कितनी देर में होता है यार, फटाफट ना ये दो विलेज जो हैं कवर हो जाएं, उसके बाद तो हम आराम चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है ना कि जितनी जल्दी ये दोनों चीज़ कवर हो जाएगी ना, क्योंकि अभी मेन जो है नाको के लिए चढ़ाई चढ़नी है, ऊपर बहुत ऊपर चढ़ना है फिर उतरना है नीचे, तो ये दोनों चीज़ जो टास्क है ना इसमें टाइम लगने वाला है, उतर चढ़ने में और उतरने में। उसके बाद तो ज़्यादा चढ़ाई उतराई होगी नहीं बट ये है कि मेन ये वाला नाको की चढ़ाई जो है ना, चढ़ाई और उतराई ये है थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी और बर्फ़ जमी भी मिलेगी तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है ना। तो बस वही है, लेट्स होप कि जल्दी हो जाए। बाकी चल तो रहे हम ताबड़तोड़ 50-70 के बीच में, अब देखो भाई कितनी देर में होता है, स्टे ट्यून्ड गाइस, बताऊँगा आपको मैं धीरे-धीरे अपडेट करता रहूँगा, बने रहो वीडियो में बस। हाँ नाला जमा हुआ है। तो गाइस ये है जमा हुआ नाला, अगर सोचो यहाँ से नाला भरा होता तो जितनी ईजिली हम निकल गए ना उतना ही कठिन होने वाला था निकलना यहाँ से, खतरनाक वाला जैसे बोलते हैं। बाकी बस थोड़ी देर में सूरज चाचू ढल जाएंगे और अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है भाई साहब हमारी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, अंधेरे में ड्राइव करने वाली, अंधेरे में राइड करने वाली बेसिकली, ये लगा लो आप। दिन में तो कर लेते हैं हम इजली, रात में भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है बट यहाँ जो है थोड़ा बहुत रहता है बाबा, थोड़ा बहुत रहता है बट कोई बात नहीं, हम तीन हैं आगे पीछे एक दूसरे को लीड करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉग लैंप बढ़िया काम करते हैं हमारे तीनों के, एकदम ओके चौकस। बाकी चल तो रहे हैं, देखते हैं भाई हम वहाँ से निकले थे 4:30 बजे आई गेस और काजा से, और अभी देखो दिल्ली कब तक पहुँचते हैं, ये बहुत तगड़ा चैलेंज है भाई, बहुत तगड़ा वाला, मतलब एक बार में नॉन स्टॉप काजा टू दिल्ली, बताओ हम यहाँ पे 3 दिन में पहुँचे काजा, सोचो। और इस बार देखते हैं कि कितनी देर में कितने घंटों में हम काजा से दिल्ली पहुँचते हैं, क्योंकि इस बार ये चैलेंज ले लिया हमने नॉन स्टॉप। देखते हैं भाई, स्ट्रेट ट्यून गाइस, मज़ा आएगा बहुत।
तो भाई अभी छोटी सी ना वाटर क्रॉसिंग थी, मैंने तो बाइक हल्की कर ली, पीछे वाले को भी इशारा कर दिया कि भाई हल्की कर ले, क्योंकि भाई देखो पता नहीं होता ना कब क्या हो जाए, क्या पता बर्फ जम रही हो। भाई साहब आज सुबह सुबह जब मैं निकला था यहाँ से किब्बर विलेज से, तो मट्टी के नीचे बर्फ जमी हुई, बताओ यार, और कैसे पता चलेगा इंसान को। तो मुझे लगा कि भाई नॉर्मल होगा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मतलब जब नॉर्मल रोड दिख रहा है तो ध्यान बंदा क्यों देगा जमीन पे। बस वही वाली बात थी, मैं निकाल रहा एकदम तो गाड़ी हूँ मैं, ले भाई हो गया काम। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पत्थर पे इसका मत्था पूरा प्रॉपर जैसे लगा नहीं, अगर लग जाता तो मत्था तो सब टूट जाता इसका मत्था ही खराब हो जाता फिर मेरा भी बट जो भी है कोई बात नहीं भाई, ऊपर वाले का शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो खैर बिल्कुल सेफ था और बाइक भी बिल्कुल हमारी सेफ है। स्क्रैचेस तो यार तुम्हें पता है नॉर्मल सी बात है, दिल्ली जाएंगे जब करा लेंगे ठीक, रैपिंग वगैरह इसकी पूरी प्रॉपर चेंज करा दूंगा तो एकदम ओके हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बूम, होए होए क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, कितने नज़ारे कैद करूं आप लोगों के लिए और अपने लिए। मुझे तो वही है बस आंखों से जी भर के मैं देख लूं और आप भी देख लो अपनी आंखों से भाई वीडियो में, यही है। लेकिन बाकी में जो कैमरा नहीं पड़ता था ना वो आपकी आंखें पकड़ लेती हैं, ये बात तो है भाई साहब, सही बता रहा हूँ। एक बार विजिट ज़रूर करना, लेकिन जून जुलाई के महीने में, इस महीने में बताना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी इनमें बताना, बाकी टाइम तो खैर बंद रहेगा ढंग से, फिर विंटर वाला हो जाएगा सबके साथ तगड़ा वाला, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होगी। लेकिन आपको अगर घूमना है अच्छे तरीके से, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिले, होम स्टे की भी, होटल की भी, खाने की भी, हर एक चीज़ की, तो आप आना मेरे हिसाब से जून जुलाई अगस्त, इन महीनों में आ जाना आप, आपको पूरी लाहौल स्पीति मस्त तरीके से घूमने को मिल जाएगी। खैर हमने भी एक्सपीरियंस ले लिया इस वाले महीने का, अब नेक्स्ट टाइम हम भी इस वाले महीने में नहीं आएंगे, फिर किसी और महीने में आएंगे, फिर उसका मज़ा लेंगे, क्योंकि जून जुलाई का मज़ा हम ले चुके हैं, अब लेना है मज़ा बिल्कुल बर्फ़ वाली। तो मतलब जनवरी वनवरी के आसपास हम दोबारा आएंगे, लेकिन इस वाली जनवरी में नहीं, फिर कभी जनवरी में। सो गाइस सामने आ रहा है एक बोर्ड, तो साइन बोर्ड से पता चलेगा कि भैया कितना रह गया है, यहाँ से पूरा रह गया 70, क्या बात है भाई। तो पहले अब हमारा टारगेट है पू 70 किलोमीटर वाला, पू के बाद रह जाएगा रिकाउंट प्यू, क्या बात है जी। भाई साहब, अरे भाई साहब, तो ये जो है बॉर्डर है किन्नौर का और लाहौल स्पीति का, देख सकते हैं आप, यहाँ पे होगी एंट्री हमारी, एंट्री होने के बाद फिर हमें आगे भेजा जाएगा, जब जा रहे थे तब भी हुई थी। सो गाइज सीन ऐसा है कि अब हम लाहौल स्पीति खत्म करके किन्नौर में आ चुके हैं, किन्नौर वैली है, मैं एंटर कर चुके हैं, सारा किन्नौर है ठीक है जी। ओह क्या बात है, क्या बात है, बस थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है गाइस, थोड़ी ही देर में। और अभी जो मेरे लेफ्ट साइड में रिवर चल रही है, लगा लो वो इस टाइम पे पूरी प्रॉपर तरीके से बह रही है और ऊपर जमी पड़ी थी, समझ लो कितना टेम्परेचर का फर्क है। बहुत भाई फर्क है, बहुत फर्क है। सो गाइस अब इस वाली पहाड़ी पे आ गए हम, अब ये लगा लो आप कि अभी थोड़ी देर में चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी zigzag वाली, फिर नाको भी ले जाएगा, उसके बाद जाके जो है फिर कहीं जाके लगेगा कि हाँ भाई कुछ अचीव किया है। फिलहाल अंधेरा होने वाला है, थोड़ी ही देर में आपको दिख रहा होगा अभी, और बाकी तो सब बड़े चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रही राइड अपनी। और मैं तो प्रोसेस बस यही दुआ करता हूँ कि टाइम से सेफली हम घर पहुँच जाएँ, ठीक है ना, बाकी तो हम राइड एकदम सेफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठंड भी अभी कम लग रही है, लेकिन अब धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ेंगे इस वाली पहाड़ी के ऊपर, तब हम ठंड से जूझेंगे। और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, मुझे ऊपर गाड़ी भी दिख रही होगी शायद, पता नहीं दिख रही है, दिख रही लाइट दिख रही है आपको, वो लाइट वो आ रही, हमें वहाँ जाने से zigzag करते हुए ऊपर, और ऊपर जाके फिर नीचे उतरना है उस पहाड़ी के उस पार। भाई साहब ये बहुत तगड़ा चैलेंज है, यही वाला, बस ये पहाड़ी चढ़ के और वापसी पूरी उतरना है। ओफ यही है मेन वाला, बस ये अल्लाह पाक ये वाला करवा दे बस, उसके बाद तो ज़्यादा टफ वाला नहीं आएगा, इजी चलता रहेंगे हम लोग। अभी देखो इसमें देखा है zigzag करते करते चढ़ना है हमें ऊपर, पूरी पहाड़ी चढ़नी है। ऊपर से एक बस भी आ रही है, पता है एक बस आ रही है, शायद एक कार आ रही है। यहाँ बाइक का दम निकलेगा,
देख रहे हो भाई, देख रहे हो ऐसे दम निकल रहा है गाड़ी का। क्या करें यार भाई, चढ़ना तो पड़ेगा, उतरे हैं तो। हाँ तो भाई साहब इंजन हीट हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो ये आ गई बस, ये आ गई बस। अब बस के पीछे एक कार आ रही है। बस कहाँ से आ रही है? ये तो पीओ से आ रही है, रिकॉन्ग पीओ से। कहाँ तक जाएगी ये? और इसका ये लास्ट चक्कर होगा, इसके बाद वापसी नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद कस्टमर ही नहीं होंगे। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और हम चल रहे हैं इस पहाड़ी के ऊपर। नीचे से ऊपर तो आ गए, अभी भी थोड़ा सा और रह गया ऊपर आना, उसके बाद जाकर फिर नीचे उतरना है, फिर जाके थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगी। अदरवाइज़ अभी तो खैर चल ही रहा है, ये मेहनत चल रही है बहुत तगड़ी वाली। भाई साहब ये लगा लो, आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ी जो है इधर दिख रही होगी आपको, और इस तरफ पूरा अंधेरा है। फॉग लैंप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे पूरी विजिबिलिटी मिल रही है। और शांटू चल रहा है आगे, पीछे नवीन चल रहा है। और मेरे को एक टेंशन ये हो रही है कि मेरी बाइक में तो खैर आधे से ज़्यादा पेट्रोल है, इन लोगों की बाइक में पेट्रोल कम है। अगर यहाँ पे आगे जाके पेट्रोल पंप सारे बंद हो गए तो फिर हमें बीच में फंसना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पेट्रोल पंप मिलना ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ पेट्रोल पंप मिलना बहुत जरूरी है, वरना लग जाएगी। अबे भाई हम नाको विलेज पहुंचे, और नाको विलेज में क्या हुआ है कि रुकने का कारण ये है कि आगे कम से कम 110-120 किलोमीटर पे है पेट्रोल पंप, और उसकी टाइमिंग है बंद होने की कुछ 9 बजे की, और जब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे और बाइक में पेट्रोल है कम FZ में, इसके वजह से रुकने का डिसीजन लिया है कि रुकेंगे और सुबह जो है यहाँ से जल्दी निकल के और नॉन स्टॉप दिल्ली जाएंगे। तो फिलहाल ये सफ़र यहीं तक का था। अब अगला शॉट, अबे खींच ना, तो अगला सफ़र जो होगा, मतलब शॉर्ट, वो सुबह का होगा, ठीक है।